कहाँ बता रहे हैं खाली था? इधर खाली था, इधर तो आ गया है, ये वाला पूरा आ गया है, लेकिन इधर साइड में ऐसे ऐसे फैलता जा रहा था, बीच बीच में गया, लाइन बाई लाइन जा रहा था, ये नंबर भी कम हो गया है। हाँ अभी तो ग्रोथ ठीक लग रही है, सामने भी हाँ छोटे छोटे बाल आए हैं जहाँ खाली था। ये थोड़े दिनों में फिर इसकी थिकनेस लेंथ बढ़ेगी और एरिया कवर हो जाएगा, पीछे वाला जैसे कवर हो गया वैसे आगे भी कवर हो जाएगा। पीछे तो एकदम ठीक लग रहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं लग रही है। इंजेक्शन लगा दें? आपको इल्यूजन एफ्लुवियम के लिए लग रहा था और बाल आ गए, एक इंजेक्शन और लगा दीजिए जहाँ पे थोड़ा हल्का लग रहा है उसमें। एस हेयर में साओ पोमेटो होता है, 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर से बहुत अच्छी ग्रोथ होती है बालों की। CST करिए, सोट्रेल, जेड सॉफ्ट, और जो इचिंग वाली प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इचिंग वाली चीज़ ठीक है, उसको बंद कर देंगे, बाकी सब CST करेंगे। हाँ और कोई दूसरी मेडिसिन वगैरह, कोई दूसरी मेडिसिन नहीं लेते ना किसी और चीज़ की? पेन किलर वगैरह नहीं खाते ना? फेस वाला और अंदर वाला नहीं देना है ना? अंदर लोशन दिया था आपने जो लाइन लाइन थी, हाँ वो अभी भी थोड़ा थोड़ा ड्राई वाला रहेगा अभी। और इचिंग वाली प्रॉब्लम एकदम ख़त्म, इचिंग वाला बंद कर दीजिए। बालों में ग्रोथ बहुत स्लो होती है और बाल आने के बाद भी आपको स्टॉप नहीं करना है, कुछ दिनों तक मेंटेनेंस के लिए लोशन वगैरह लगाते रहें। IL लगेगा? हाँ 5D IL 10+20। इंजेक्शन लगवा लीजिए, ऑयल ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं? ऑयल ट्रीटमेंट भी कराइए, 3 नंबर में दिखाइए मैडम को। और शेख के बीच में कल आइए आप।